नमस्कार दोस्तों, यूनिक एडवाइस मास्टर में आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। तो आज हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि हम Kuv100 NXT का पार्किंग कैमरा को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाए। तो आज ये वीडियो उसी टॉपिक पर हमने बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दिन में पार्किंग असिस्ट सिस्टम कार में एक कॉमन फीचर है और ज्यादातर कार के टॉप मॉडल पर यह सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की ओर से। और ये पार्किंग असिस्ट सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सेंसर के जरिए कार का पीछे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद एक बीप साउंड देता है ऐसे। और दूसरा जो आता है LCD के साथ आता है, जिसमें कैमरा और सेंसर दोनों ही कनेक्ट रहता है, जिसमें कैमरा में पीछे का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और सेंसर के जरिए उसका डिस्टेंस भी डिटेक्ट कर लेता है। Kuv100 NXT में महिंद्रा ने इंटेली पार्क सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसमें 3 रियर रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है, पर कोई कैमरा प्रोवाइड नहीं किया गया कंपनी की ओर से। तो क्या हम Kuv100 NXT में अलग से कैमरा लगा सकते हैं, पार्किंग कैमरा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको महिंद्रा का ऑथराइज्ड वेबसाइट m2all.com में जो पार्किंग कैमरा मिलता है उसको रिकमेंड करना चाहूँगा। आप नीचे जाके लिंक से उसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं m2all.com से, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट आपका ऑथराइज जो महिंद्रा का शोरूम है वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। ये जो LCD मिलता है वो एकदम हुबहू मिरर की तरह ही दिखता है। यहाँ से पीछे भी देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। और ओरिजिनली जो मिरर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे है, और यहाँ पे LCD लगा हुआ है और जिसमें मिरर ही है, और यहाँ से वायर जाता है पीछे यहाँ कैमरा की तरफ। गियर को रिवर्स में डालूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो गया, यहाँ पर जो कैमरा है वो ऑन हो गया। LCD में यहाँ पीछे की पोर्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ से स्केल भी दिख रहा है, देख सकते हैं। ये रेड कलर का मतलब है आपका ऑब्जेक्ट एकदम क्लोज आ गया है। अगर आप पार्किंग कैमरा को इंस्टॉल करना चाहेंगे तो मैं आप सबसे यही राय दूंगा कि आप m2all.com में जो पार्किंग कैमरा मिलता है उसको लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो अलग से पार्किंग कैमरा सेंसर मिलता है उसको मत लगाइए, क्योंकि आपके कार में ऑलरेडी महिंद्रा ने इंटेली पार्क सेंसर सिस्टम को प्रोवाइड किया है। तो अगर आप बाहर से कोई कैमरा के साथ सेंसर भी लगाते हो तो आपका जो इनबिल्ट सेंसर है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप सिर्फ पार्किंग कैमरा लगाइए, पर अलग से दूसरा कोई सेंसर मत लगाए, इससे आपका कार का इनबिल्ट सेंसर में प्रॉब्लम आ सकती है। और जो Kuv100 NXT का ओनर पार्किंग कैमरा को लगाना चाहते हैं तो मैं उस हिसाब से यही राय दूंगा कि आप डायरेक्टली सर्विस सेंटर से लगाइए। आप कोई लोकल मैकेनिक से या फिर अपने घर में इसको फिट मत कीजिए, इससे आपका कार का जो वायरिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है आपका कार का। तो बेहतर यही है कि सर्विस सेंटर से जाके डायरेक्टली, सर्विस चार्ज लगेगा इसका अलग से, लेकिन वो सेफ है बहुत। तो आपको अगर पार्किंग कैमरा इंस्टॉल करना है तो वो डायरेक्टली ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही आप इस पार्किंग कैमरा को इंस्टॉल कीजिए, बाहर से लोकल मैकेनिक से मत कीजिए या फिर घर में मत कीजिए, इससे आपका कार का जो वायरिंग है उससे प्रॉब्लम आ सकती है। इन लोगों का Kuv100 NXT का बेस मॉडल है, मतलब टॉप मॉडल नहीं लोअर मॉडल है, जिसमें पार्किंग सेंसर नहीं मिलता, तो वो अगर चाहे तो पार्किंग कैमरा सेंसर के साथ लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकॉप का जो पार्क प्रो सेंसर कैमरा है उसको रिकमेंड करना चाहूँगा कि यही मार्केट में सबसे बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं विजय जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। मैं जल्दी मिलता हूँ नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।